अगर हिंदू धर्म सही है हमारा तो हम लोग पूरब घूमते हैं, अब मुसलमान को जाके आप गांव में रात्रि में चेकिंग कीजिए, एक भी मुसलमान की महिला और पुरुष एक भी पश्चिम पैर करके नहीं सोएगा, सबका पैर है पूरब की ओर। वो पैखाना पेशाब करेगा पूरब की ओर घूम के, थूक फेंकेगा पूरब की ओर घूम के। अगर हमारे हिंदू देवता हैं, उनके कृपा से अगर सब कुछ होता है तो मुसलमान को तो नाश कर देना चाहिए नहीं, क्योंकि इनके विरोध में वो सब काम करता है। हम लोग मोच रखते हैं तो दाढ़ी रखता है। एक हमारे शिष्य हैं मोहम्मद शमसुद्दीन साहब, देवरिया जिला के रहने वाले, कल मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि लोगों ने मेरे विरोध में एक मौलवी को बुला के लाया कि देखो ये कबीर धर्म स्वीकार कर रहा है। मौलवी आए, अपना कथा प्रवचन शुरू किए। उन्होंने कहा कि मोच नहीं रखना चाहिए। कहा क्यों? तो मोच से जो पानी गिरता है और मुंह में जाता है तो नपाक हो गया। शमसुद्दीन साहब ने मौलवी से पूछा कि मौलवी साहब ये पूरे दुनिया को किसने बनाया? तो उसने कहा अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह कैसा बदमाश था कि मुंह के ऊपर मोच क्यों बनाया कि मुंह में जाने से नपाक हो जाए? आप जो कहते हो मोच कटाने के लिए, अल्लाह को तो उसी दिन आंख होना चाहिए कि मुंह के ऊपर हम मोच नहीं दे। मौलवी चुपचाप उठ के भाग गया, कहा कि इससे हम नहीं जीतने वाले। हम मोच रखते हैं तो दाढ़ी रखता है, हम टीकी रखते हैं तो सुन्नत कराता है, हम गाय के पूजा करते हैं तो गाय काट के खाता है, हम पूरब घूमते हैं तो पश्चिम घूमता है, हम धोती पहनते हैं तो लुंगी पहनता है, हम लोटा रखते हैं तो बदना रखता है, हम इधर से उलट के पढ़ते हैं तो इधर से उलट के पढ़ता है। कहीं मेल नहीं, केवल जन्म लेने के समय मेल है, क्योंकि प्रकृति प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया, प्रकृति ने अपने नियम में कोई बेईमानी नहीं किया। अगर प्रकृति पर पुरवैया हवा चल रही है तो सबके लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी यहूदी औरत मर्द सबके लिए। अगर पछिया हवा चल रही है तो सबके लिए, अगर बारिश हो रही है तो सबके लिए, अब तूफान आया है तो सबके लिए, अभी आम का वृक्ष मजरा है तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान के दरवाजे पर का नहीं मजरा है, वहां भी मजरा है। हिंदू के दरवाजे पर के गाय भैंस बच्चा दी है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान के दरवाजे का नहीं दिया। प्रकृति ने अपने नियम में कोई बेईमानी किया ही नहीं, यहाँ के बेईमान लोग अपना अपना नियम अलग बना के और इतना छेड़खानी पैदा किया।